भी भूल गए क्या? मैं बाहर बैठी हूँ। तुम भूलने की बात कर रही हो? यहाँ तो आलम यह है कि जब आप याद भी नहीं आना चाहती तब भी बहुत याद आती है। ये मेहमान नवाजी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो तुम? अरे यार, वो जो चौका बर्तन करने वाली बाई है ना, उसने इस चक्कर में डाल दिया। क्यों? सुबह सुबह आकर अल्टीमेटम दे दिया कि साहब मैं आपका काम छोड़ के जाता है। क्यों? कहते हैं कि हफ्तों गुजर जाते हैं एक बर्तन धोने के लिए नहीं होता है, तो काम नहीं तो फिर कहां है पगार? बात तो सही कही उसने। अरे यार, मैंने कहा बाई जी मैं बाहर खाना खाता हूँ, तो उसने कहा तो आपके घर में मेहमान नहीं आते क्या? मैंने कहा ये सही है, मेरे घर में मेहमान आते हैं तो क्यों ना मेहमान नवाजी शुरू कर दी जाए। तो तुम्हारे बाई के चक्कर में मुझे जबरदस्ती चाय पीनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह यह है कि आपके आने के तेवर से मैं समझ गया था कि आज कुछ देर मैदा हेगड़े हमारे साथ बैठने आई है। सही है सुनील, तुम सूरज का केस सचमुच लड़ रहे हो? हाँ? तुम ये केस छोड़ दो प्लीज। क्यों? तुम ये केस लड़ोगे तो ऋषभ को लगेगा तुम फिर एक बार मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे गलत मत समझो सुनील, मैं ऋषभ की तरफदारी नहीं कर रही हूं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूं मेधा, पर क्या करूं, ये केस मेरे हलक में आकर ऐसे अटक गया है, ना उगलते बनता है ना निकलते। क्यों? वो हमारे पूजनीय सासू जी है ना, वो सासू जी मतलब होने वाली मिसेज निशी मल्होत्रा, वो आकर मेरे गले में ये केस डाल के चली गई है। अब क्या करे आदमी, कमारा रहता है तो बाई धमकाती है, शादी करता है तो सासू जी ब्लैकमेल करती है, क्या करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कहाँ खो गई? हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? हमें क्या हमेशा दूसरों के मुताबिक जीना पड़ेगा, उनकी खुशी के लिए, उनकी मर्जी के मुताबिक? क्यों? यस यस, अब आए तुम असल मुद्दे पे। देखो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे आते ही तुम्हारे तेवर समझ गया था। अब बताओ क्या बात है, बोलो। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं सुनील, मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। अपने दिल के साथ ज्यादती क्यों कर रही हूँ? क्या ज्यादती कर रही हूँ मैं? एक नाथ सुनील प्लीज, वो आया था यहाँ मुझसे मिलने, तुम्हारे बिना उसे भी जिंदगी बड़ी बोझ लग रही है, तुम्हारी वजह से कई सारे जख्म ढो रहा है वो। तो कोई चारा भी तो नहीं है। मैं जानता हूं मेधा, लेकिन मेधा मैं सोचता हूं कि तुम्हें वापस उसी पुरानी राहों पर चले जाना चाहिए जहां एक नाथ तुम्हारे साथ था। क्या मतलब? देखो, रूबी का प्यार एक नाथ के लिए जिद है, और जिद की वजह से दो सीनों में इतना सारा दर्द हो,